नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग कन्या कॉलेज में देशी डे के बैनर तले भव्य गरबा नृत्य डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में देशी डे के बैनर तले मंगलवार को भव्य गरबा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में नृत्य संगीत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रीचा ठाकुर ने बताया कि कॉलेज की छात्राओं का लगभग 150 ग्रुप इस प्रतियोगिता में शामिल होकर डांडिया गरबा और रास गरबा की प्रस्तुति दे रहा है। साथ ही बताया कि आयोजन लगातार 6 सालों से करते आ रहे हैं, इसको लेकर बच्चे पूरे साल तैयारी किया करते हैं। इसके साथ ही इन छात्राओं ने ट्रेडिशनल लुक में मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के संबंध में प्राचार्य सुशील चंद तिवारी ने बताया कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे अपने देशी छत्तीसगढ़ी सहित अन्य कल्चर से परिचित हों और अपने स्तर पर तैयारियाँ करें। इसी उद्देश्य से आज बच्चे गुजरात के कल्चर पर आधारित गरबा नृत्य पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारे यहां पढ़ाई के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, ताकि बच्चे कुछ नया सीख सकें। तो वहीं उत्साहित छात्राओं ने भी अपनी खुशियां न्यूज टीम के साथ साझा की। हम अपनी संस्था में ये देसी डे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी सभ्यताएं हैं, उससे हमारी छात्राएं परिचित हो सके और एक कल्चर भी जो है, जैसे गुजरात का हमारा कल्चर है, उससे भी परिचित हो सके और एक व्यक्तित्व विकास का एक हम माध्यम मानते हैं इसको, कि विद्यार्थी स्वयं होकर तैयारी करते हैं और स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस करते हैं। तो आजकल जो है परफॉर्मेंस आर्ट का ज़माना है और विद्यार्थी इसमें छात्राएँ हमारी सिद्धस्थ हों और उनको प्रोत्साहन मिले, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष कराते हैं और निश्चित रूप से इसमें हम सफल भी हुए हैं और बड़ी संख्या में स्वफूर्त होकर छात्राएं इसमें भाग लेती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही मैं मानता हूँ। हमारे महाविद्यालय की छात्राओं का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है देसी डे। ये डिपार्टमेंट ऑफ डांस द्वारा हर साल लगभग हम 6 साल से इसे आयोजित कर रहे हैं। शहरों में नवरात्रि की धूम होती है, कुछ छात्राएं रात में गरबा खेलने नहीं जा पाती हैं, तो उस सब को देखते हुए हम लोग कॉलेज में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं और लड़कियां ग्रुप बना करके इसमें कंपटीशन के रूप में भाग लेती हैं। इसमें हम शर्त रखते हैं कि आज के दिन कोई भी वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनेगा, पाश्चात्य परिधान का त्याग करके वो पारंपरिक परिधान पहनेंगे, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो। और स्पेशली गरबा रिलेटेड है तो गुजराती ड्रेस में हमारी सारी छात्राएं नज़र आती हैं। और एक ये भी शर्त रहती है कि हम जो नाम है समूह का जो भाग ले रहे हैं वो हिंदी ही रखेंगे, कोई फ्यूजन नहीं, कोई मिक्स नहीं, कुछ रिमिक्स नहीं। तो हमारी छात्राओं ने नृत्य संगम, नृत्यांजलि, नवरस, माँ चामुंडा, भवानी शारदा, इस तरह के नाम रखे हैं और लगभग 150 छात्राएं आज इसमें भाग ले रही हैं। ग्रुप कंपटीशन के बाद हम ओपन गरबा रख देते हैं, जिसमें जितनी लड़कियां जो भाग नहीं भी ले रही हैं वो भी मिल करके इसको डांस करती हैं और छात्राएं इसका भरपूर मनोरंजन करती हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि माँ शक्ति की आराधना है और गरबा जो है वो दीप गर्भ के नाम से पुराने समय में जाना जाता था, उसी का प्रचलित नाम आज गरबा हुआ है। तो वो माँ की शक्ति का प्रतीक है, जैसे गर्भ में जो रात्रि गर्भवती स्त्री होती है उसमें जो शक्ति होती है वो ये शक्ति गरबा के रूप में हमें दिखाई देती है। तो शक्ति और सन्मार्ग और परंपरा का अनूठा प्रतीक है ये गरबा, इसलिए आज इसे हम देसी डे के नाम से मनाते हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है अपने कॉलेज वालों को कि एक साल हम पूरे देसी कपड़ों में, हम पूरे इंडियन ट्रेडिशंस में आते हैं और हमारा यूजुअली हम वेस्टर्न्स में रहते हैं। साल में एक बार होता है जब हम सारी लड़कियां वेस्टर्न को छोड़ के अपने इंडियन ड्रेस में आते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे कॉलेज की बच्चियों को एक गरबा या फिर एक कंपटीशन करने को जो बाहर नहीं जा पाते हैं। जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने फर्स्ट ईयर में यहाँ आए और हमने ये कॉलेज का हर रीति रिवाज को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलेज में मतलब गरबा ड्रेस, मतलब गरबा डांस बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत छात्राएँ अब देसी डे मनाने आए हैं, गरबा डांस करने आए हैं और ये सारी हमारी फ्रेंड्स हैं। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग गेटअप में आए हैं इन्जॉय करने के लिए। कॉलेज में ये देसी डे का जो प्रोग्राम है वो हर साल मनाया जाता है और ये डांस डिपार्टमेंट की ओर से होता है और इसमें हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और ये जो देसी डे है वो गरबे के टाइम पे होता है, तो हमें
डांस ना कर हम लोग डांस नहीं करते फिर भी इसे तैयार होके आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमारे कॉलेज का। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।